हेलो हेलो सर, हाँ, आर यू फ्री टू टॉक राइट नाउ? मैडम हिंदी में बोलेंगी क्या? हेलो सर, एक्चुअली हमारे यहाँ पे चल रहा है एक अनोखा टेलीफोन कॉन्टेस्ट, जहाँ पे अगर आप वॉइस पहचानेंगे तो आपको हर वॉइस पहचानने पर 100 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। वुड यू लाइक टू प्ले सर? जी जरूर, पैसों ले तो खेल ही सकते हम लोग। ओके सर, तो आपके लिए वॉइस ये रहा। अरे खामोश, ये तो शत्रुघ्न सिन्हा का आवाज है। नहीं, आपको बताना है कि कौन सी मूवी में शत्रुघ्न सिन्हा ने ये इस्तेमाल किया था। भाई साहब, जहाँ तक मेरे को पता है तो हर एक मूवी में इस्तेमाल किया हुआ है। कालीचरण में भी किया हुआ, विश्वनाथ में भी किया हुआ है। नहीं, ये डिफरेंट था, ये था अरे खामोश। कालीचरण और विश्वनाथ वाला था अरे खामोश। सर, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। हाँ, डोंट वरी सर, फिर से एक बार खेलते हैं। बोलिए बोलिए। कुत्ते, कमीने, मैं तुम्हारा। ये धर्मेंद्र जी है। नहीं, आपको बताना है धर्मेंद्र जी ने कौन सी मूवी में इसका इस्तेमाल किया था। अबे यार, कैसा सवाल है ये? धर्मेंद्र तो हर एक मूवी में यूज करता है यार। काट रहे हो क्या फोन करके? सर आप गुस्सा मत होइए सर, हम लोग तो ऐसे को टेस्ट कर रहे हैं। 100 रुपए आपके अकाउंट में हम लोग क्रेडिट करेंगे। एक और सर, एक सर, बस और एक बार। आर यू विलिंग टू प्ले जस्ट वन मोर टाइम? चलिए बोलिए। क्या बात, क्या बात, क्या बात। हाय, मिठुन चक्रवर्ती, मिठुन चक्रवर्ती। लेकिन बताना है कि कौन सी मूवी में, समझे? अरे नहीं, काम तुमको दिल छोटा मत कीजिए सर। हेलो। हाय सर, सर एक तकनीकी खराबी के लिए ना सर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। 4 घंटे बाद हम लोग फिर से आपको ट्राई कर रहे हैं सर। वुड यू लाइक टू प्ले द कॉन्टेस्ट? मैडम एक बात बताइए। जी सर। ये कैसा सवाल था? आवाज कौन कौन से भी है? फिर से वही सब आप लोग ऐसा ऐसा सवाल पूछोगे बेकार में। सर अब तो हम लोग पूरा चेंज कर देंगे सवाल सर, डोंट वरी। बट सर प्लीज गिव अस लास्ट चांस सर, एक और मौका प्लीज। मैडम इतने प्यार से बोलो तो 10-10 चांस दे देंगे आपको। थैंक यू सर, आपके लिए क्वेश्चन ये रहा। नाना पाटेकर, नाना पाटेकर। आवाज सही पहचानी है, लेकिन आपको बताना है कि कितनी बार ह में ई की मात्रा लगी है? ये ह की ई की मात्रा ई की मात्रा दिल छोटा मत कीजिए। तू तो चुप ही रह, चुप रह तू। सर क्वेश्चन पूछना है, क्या आप शादीशुदा हैं? मैं शादीशुदा हूँ चाहे नहीं। करेगी तू शादी? करेगी मेरे से? सर जिस इंसान के पास इतना फजूल का वक्त हो वो मुझसे शादी करेगा तो मुझे कितना वक्त देगा? देगा वक्त के साथ क्या क्या को पता है? एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल सर। हाँ, एक आखिरी सवाल। अरे बट्टे, अरे बट्टे, अरे बट्टे, कभी रेड एफएम सुना है? अरे रेड एफएम तो सुनता रहता है। हाँ बेटा, तो मैं रेड एफएम आरजे प्रवीण, मेरे साथ में मलिका, हम लोग मुर्गा बना रहे थे आपका। बड़े टाइम के बाद में बट सक्सेसफुल 93.5 रेड एफएम बजाते रहो भाई। शायद क्या बोले? रख डन। हाँ भाई बोले रख डन। हेलो विक्रम जी। हेलो। हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कौन? मेरी छोड़िए सर, मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। पर आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा ना, वो सब छोड़िए, मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। जैसे ब्लू आपका फेवरेट कलर है, राइट? आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। हाँ। अभी रिसेंटली आप शायद किसी विदेश यात्रा पर गए थे। हाँ। एंड उस विदेश यात्रा में आपके पैर में चोट भी आई होगी। हाँ, पर आपको कौन बोल कौन रहे हैं आप? क्योंकि बुध के घर में मैं शनि देख पा रहा हूँ। आप पेट
बहुत पसंद करते हैं पेट एनिमल्स। हाँ बिल्कुल सही है। और जो योग देख पा रहा हूँ मेरे ख्याल से दो पेट एनिमल आपके पास में है। हाँ? एक मेरे ख्याल से जर्मन ब्रीड का होगा, जर्मन शेफर्ड। हाँ? और दूसरा लैब्राडोर होना चाहिए। आपको ज्योतिष है क्या? कौन बोल रहा है? ज्योतिष तो नहीं हूँ लेकिन जानकारी मेरे पास में बहुत है। जैसे हिल स्टेशन आपको बहुत पसंद है जब आप छुट्टी की बात करते हैं। बिल्कुल सही। आपके मन में अभी थोड़ा सा खट्टापन है अपने जॉब के प्रति क्योंकि आप अपना जॉब छोड़ करके कुछ नया करना चाहते हैं, आप जैसे अपना बिजनेस करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और लव लाइफ आपकी कुछ ठीक नहीं चल रही है तो पहले से जान लो उसको। आप ये बताओ कि आप हैं कौन, मतलब क्या हो सकता है मेरी लाइफ में, मतलब ऐसे करियर को लेकर आप बताओ सर। अगर आप मेहनत करें तो करियर आपका मुझे दिख रहा है बहुत बेहतर, और आपको आपके दोस्तों के साथ में वक्त बिताना काफी अच्छा लगता है। अगर अगल बगल आपके कुछ करीबी मित्र हो तो यू फील कम्फर्टेबल। राइट। और आपको बाइक वाइक का भी बहुत शौक है। बिल्कुल। वो दो चक्के वाला योग दिख रहा था मुझे। आप मुझे इतना बता सकते हो, इतना मदद करके बता दे और क्या क्या हो सकता है मेरे साथ और क्या क्या कर सकता हूँ मैं? और तो कुछ बता नहीं सकता, मेरे पास में उतनी इन्फॉर्मेशन है भी नहीं। आपने इतना सब बता दिया, मतलब कुछ तो पता होगा आपको, आप कुछ तो जानकारी। मैं ज्योतिष नहीं हूँ भाई। तो कौन बोल रहा है आप? ये सारी चीजें तो तूने फेसबुक पे डाल रखी है जितने भी मैंने बताए तुमको, ठीक है? कुछ भी नया नहीं बताया यार, वही मैं तुमको बता रहा हूँ, तुमको लग रहा है मैं ज्योतिष बोल रहा हूँ। कौन आ रहे है फोन कर? भाई मैं प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। अपनी लाइफ में कुछ तो पर्सनल, सब कुछ फेसबुक पर आगने की जरूरत नहीं। अभी जो ट्रेंड चला आ रहा है तो लगा लिया, हम भी लगा लिए, सब ही डाल दिया भाई। हेलो सर, आप सर्विस इस्तेमाल करते मोबाइल सर्विस? वीडियो देखो पैसे जीतो। कोडी क्या ना सर, ये सर्विस अब हम लोग फोन पर भी लाए। चार आसान से सवाल का जवाब देने से आपको ₹1000 मिल सकते हैं। अच्छा। और आपका नंबर भी कनेक्टेड है, ट्रांसफर हो जाएगा। चार सवाल सर। अच्छा तो मैं आपसे पूछूं सर? हाँ पूछिए सर। पहला सवाल ₹250 के लिए। अभी तो बोले 1000। नहीं, चार सवाल ₹1000। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, तो आपके एक हाथ में 8 ऑरेंजेस है, 8 ऑरेंजेस, दूसरे हाथ में 10 ऑरेंजेस, तो आपके पास में क्या है? 18 ऑरेंजेस। गलत है सर। क्यों? आपके पास में बड़े बड़े हाथ है सर। ये कैसा सवाल हुआ? बड़े बड़े हाथ है तभी तो 18 ऑरेंजेस आपके पास में। ठीक है, अगला पूछिए। डोंट बी डिसअपॉइंटेड। दूसरा, आपके पास एक झोला है उसमें 15 ऑरेंजेस है। हाँ। कोई बाहर से आया उसने 15 ऑरेंजेस डाल दिए तो आपके पास में क्या है? बड़ा सा झोला है। नहीं सर, इस बार आपके पास 30 ऑरेंजेस हैं। हर टाइम एक ही जवाब थोड़ी ना होता है यार, ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप? तीसरा सवाल, अभी भी टाइम है आपके पास। आई होप ऐसा कोई उल्टा पुल्टा सवाल नहीं पूछेंगे आप। नहीं नहीं, आप सुनिए सही, सवाल सुनिए। ओके। आपने ऑरेंजेस खरीदे। अच्छा। ठीक है, ₹40 किलो में। ₹40 किलो। अच्छा जी। और जूस बना के आपने, अच्छा, ₹5 ग्लास में बेच दिया। कितना में? ₹5 ग्लास में। ₹5। हाँ। लेकिन फिर भी आप लखपति हो गए, बताइए कैसे? ये सवाल ही समझ में नहीं आया मुझे। नहीं, क्योंकि पहले आप करोड़पति थे। क्या कर रहे हैं आप, क्या उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे सर? आखिरी सवाल सर। नहीं, मुझे और नहीं खेलना। एक लास्ट। ये पूछने से मेरे को पैसा मिलेगा? पूछने से नहीं, जवाब देने से मिलेगा। ठीक है ठीक है। पूछने से मिलता तो सारे पैसे बेटा मैं ही ले जाता। हाँ। आखिरी है, बाद में हंसना, अभी सवाल तो पूछिए। अरे आप हंसे ही जा रहे। सवाल ऐसा है, टैक्सी ड्राइवर बहुत सारे ऑरेंजेस लेके। अब क्या हर सवाल में ऑरेंज क्यों है? बिकॉज आई लव द फ्रूट। सवाल ये है कि बहुत सारे ऑरेंजेस लेके टैक्सी ड्राइवर जो है वो नो एंट्री में घुस रहा था। अच्छा। लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ा नहीं, बताइए क्यों? अरे नहीं पता, मैं बता दूं आपको। हाँ। ₹1000 गए आपके, ठीक है। हाँ। जरूरी थोड़ी ना कि टैक्सी ड्राइवर हमेशा टैक्सी लेके ही जाए, वो पैदल जा रहा था इसलिए पुलिस ने नहीं पकड़ा। क्या सवाल पूछे जा रहे आप? दादा मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। अरे भाई। मुर्गा बना रहे थे। हेलो सुकुमार बाबू। সুকুমার বাবু আপনার একটা ছবি দরকার ছিল, একটা ছবি লাগবে আপনার। আমার ছবি লাগবে কেন? আপনাকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করা হচ্ছে, আপনি বাংলার রত্ন। না আমি বুঝতে পারছি না, আমাকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করতে হবে? হ্যাঁ দাদা, আপনাকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করা হচ্ছে। আপনি এই সেন্ট্রাল পার্ক চেনেন? হ্যাঁ। তো সেন্ট্রাল পার্কের আপনাকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করা হচ্ছে। কিন্তু কেন, মানে হঠাৎ আমাকে কেন? হ্যাঁ হঠাৎ এর জন্যই দাদা, কিউকি আপসে জাদা টাইম তো উধর মে অর কোই বিতাতা নি হ্যায়, আপ তো দিনভর উধর মে বৈঠে রহতে হ্যায়, তো আপসে আচ্ছা ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর কোই হোই নি সকতা। তুমকো কন বোলা, মে দিনভর ওয়াহা পে রহতা। আরে দাদা আমরা সব জানি দাদা, আমরা তো গাছের রিপোর্ট গুলো দেখছিলাম, গাছের রিপোর্ট দেখছি আপনার জন্য গাছগুলো তাড়াতাড়ি বড় হচ্ছে ওখানে। আমার জন্য গাছ বড় হচ্ছে? কোন বলে গাছগুলো বড় হচ্ছে? কারণ কি হচ্ছে, আপনাকে দেখে উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে, ওরা তাড়াতাড়ি ফটোসিনথেসিস করে ফেলছে। ইয়ার কি মাছি বাচ্চা দাদা, ওই সকালবেলা কাজের সময় ইয়ার কি মাছি ফোন রাখ।
হ্যালো সুকুমার বাবু, হ্যাঁ তোমাদের কাউন্সিলর অফিস থেকে বলছিলাম। হ্যাঁ বলুন। তো আমি যা খবর পেয়েছি, তোমার একটা চাকরি দরকার এখন, তোমার চাকরি নেই না? হ্যাঁ। তো ওই আমি কাউন্সিলর হিসেবে সুযোগ করে দিচ্ছি তোমার জন্য, 10,000 টাকা স্যালারি পাবে। স্যালারি তাই তো? পিএফ, গ্র্যাচুইটি, ESI, ESI সব থাকবে তাতে। হ্যাঁ, এইবার কাজে এলাম। তো কাজটা হচ্ছে সেন্ট্রাল পার্ক চেনো তুমি? তো ওই সেন্ট্রাল পার্কের সিকিউরিটি গার্ড হতে হবে। হ্যাঁ, সিকিউরিটি গার্ড থেকে বেশি সময় তুমি কাটাও ওখানে। তো তুমি ওখানে গার্ডগিরি করবে, আর সঙ্গে তোমার যা কাজ করা আছে তুমি সেইগুলোও করবে। হ্যালো, হ্যাঁ দাদা, ওই 45 নম্বর বাস কি বেরিয়ে গেছে সেন্ট্রাল পার্ক থেকে, একটু দেখে বলবেন আপনি? হ্যালো, প্রিয়দর্শনী জি কে বলছেন? প্রিয়দর্শনী জি, আপ আমারে স্টোর নামে আই থি থোড়ে দিন পেলে শপিং করতে গেলে, 3 দিন পেলে, আর আপনি ড্রেস খরিদি থি। ম্যাম, আমরা আপনার ওই ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলও চেক করেছিলাম, যেখানে আপনি হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করেছিলেন। আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপনি তকরিবন 17-18 পিকচার্স আপলোড করি হ্যাঁ হামারে ট্রায়াল রুম সে, আর আপনি খরিদি 2 ড্রেস থি, মানে কিছু প্রবলেম তাতে নেই, আর আপনি আপলোড কিয়া ওয়াহাঁ পর লিখা হ্যায় সবকো থ্যাংক ইউ বেব, খুব ভালো সুন্দর, এটা আমি এখানে কিনলাম, এটা আমি ওখানে কিনলাম, এসা আপনি লিখা হ্যায় না? লেকিন তসবীরে আপনি 17-18 আপলোড করি হ্যায় হামারে ট্রায়াল রুম কে অন্দর সে, কি অলগ অলগ ড্রেস লেকর কে? তো ম্যাম, হামারা 44,000 কা এক বিল হ্যায় ওহ হাম আপকো ভেজ দে রহে হ্যায়। 44,000 বিল কিসের জন্য? ম্যাম, আপনি হামারে প্রোডাক্ট কা ইস্তেমাল কিয়া হ্যায়, আপনি তসবীরে আপলোড করি হ্যায়, কমপ্লিমেন্ট বটো রহে হ্যায় লোগো সে, ট্রায়াল রুম কে অন্দর সে এক দো ফোটোগ্রাফ চলতা হ্যায়, লেকিন ম্যাম 16 ফোটোগ্রাফ ইয়ে থোড়া সা টু মাচ হো গয়া। ম্যাম, 44,000 টাকার বিল আছে, সেটা আমরা আপনাকে পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে? সেটা আপনাকে কিন্তু পেমেন্ট করতে হবে। ওই বাবার টাকার থেকে একটু টাকা নিয়ে করবি না, যদি আবার আপনি জমান সম্ভালি, আপ বহুত গন্দা। নমস্কার ম্যাডাম, প্রিয়দর্শিনী বলছেন? আমরা লোকাল থানা থেকে বলছি, যে মলে গেছিলেন সেটি আমাদের জুরিসডিকশনে পড়ে, যে স্টোরে আপনি গেছিলেন, আমি অফিসার ইন চার্জ মিস্টার বাগচি বলছি। নমস্কার, আমাকে ফোন করেছিল ওখানকার যারা কাজ করে আর কি, ম্যানেজার যিনি রয়েছেন। একটা ব্যাপার হচ্ছে যে প্রথমত সোশ্যাল মিডিয়ার যত কমেন্টস এবং রিপোর্ট, এগুলো কিন্তু আজকাল লিগাল ডকুমেন্ট, আপনি আশা করি জানেন, সেটার জন্য তো আপনাকে পে করতে হবে ম্যাডাম। দেখলেন স্যার, হ্যাঁ কিভাবে কথা বলছে, আমি একটু আগে কথা বললাম ওনার সঙ্গে, হ্যাঁ উনি আমায় গালাগাল দিয়েছেন। না 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 না, আপনি গালাগাল দেবেন না ম্যাডাম, আপনি না 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 না, আপনি গালাগাল দিতে পারেন না ম্যাডাম। তার মানে পুলিশে নেই আপনার বাবা? তো চুপ করে বেলা একই তুমি কাঁদছো এতদিন ধরে এত অপেক্ষা। প্রিয়দর্শনী জি, জিতনি মর্জি ফোটো আপলোড করনি হ্যায় কিজিয়ে, হমে কোই দিক্কত নি হ্যায়, পয়সে ভি নি চাহিয়ে। মে আরজে প্রবীণ ও আরজে নীল, রেড এফএম সে হাম দোনো বোল রহে থে, মুর্গা বানা রহে থে। অভি লড়কি কে চেহারে পর হাসি আ গয়ি। হ্যালো বাবাই দা, বলছি কেমন আছো? ভালো আছি। মানে কে কে বলছেন? বাবাই দা, তুমি আমায় চিনতে পারছো না, কতদিন পর তোমার সাথে কথা হচ্ছে, ভুলে টুলে গেলে নাকি? বাবা সত্যি চিনতে পারছি না। হ্যাঁ এখন তো তাই বলবেই, সত্যি চিনতে পারছি না, এমন এসে দেবো না সামনে থেকে, তখন বুঝতে পারবে। এ ভাই ভাই, মাকে কি বলছেন বুঝতে পারছি না, কে বুঝতে পারছি না, কে আশ্চর্য, কার সাথে আছে বলো তো, তুমি কে আছে তোমার পাশে, সত্যি কথা বলো। এ বাবা না না, কে আমি ঘরে বসে থাকি। হ্যাঁ নিশ্চয়ই কোনো প্রেমিকা আছে না, তাই জন্য কে 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 করছো? আরে না না না, কি কে বলছেন, কে কে বলছেন, কে আমি বলছি, আবার কে বলবে, কে কে তুমি কে? বাবাই দা, আমি শুভশ্রী বলছি। কোন শুভশ্রী? তুমি কটা শুভশ্রী কে চেনো? শুভশ্রী আমি এক তো জানি। তোতলাচ্ছো কেন, কটা শুভশ্রী কে চেনো, তাড়াতাড়ি বলো। না না না, চিনি একজন কে চিনি। কি বলছো? মানে আমি যাকে চিনি সে তো অ্যাক্টিং করে, কিন্তু তুমি কোন? আমিও তাই করি তোমার জন্য, আমি আজ থেকে অ্যাক্টিং ই করি নাও, আমি অ্যাক্ট্রেস শুভশ্রী বলছি। What? What?
শুভশ্রী বলছি, তুমি পরিণীতা দেখেছো আমি জানি। হ্যালো भाई, तो मैं आरजी प्रवीण बोल रहा था। मैं एक्चुअली मुर्गा बना रहा था आपका शुभश्री की आवाज में। अरे दादा, मैं शुभश्री की आवाज निकाल लेता हूँ। दादा आप कोई भी लाइन बोलिए, मैं एकदम शुभश्री की आवाज में बोल दूंगा। आप बोलिए लाइन। अच्छा ठीक है, বলুন। আমি রিসেন্টলি পরিণীতা দেখেছি, আপনি বলুন তো। বাবাইদা, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। শুনুন বাবাইদা, আমি তোমায় খুব ভালোবাসি, আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই। শুন আপনি, আরে কি করে হবে ভাই। আরে দাদা, আই এম এ মিমিক্রি আর্টিস্ট, আই ক্যান মিমিক এনিওয়ান। ওনার হাসিটা শুনুন, দেখুন আমি কি কপি করি। 1 2 3। দাদা মানে আর জে প্রবীণ বল রা রেড এফ এম সে শুভশ্রী কি আওয়াজ কপি করতে হ্যাঁ রাজদা কি আওয়াজ কপি করতে হ্যাঁ ঠিক আছে বলে দেখুন। আপনি বলুন একটা লাইন, সেই লাইনটাই বলবো আমি। তোমার একটা মুভি থেকে বলুন। ঠিক আছে, তাহলে রাজদার কণ্ঠে শুনুন। চালিয়ে যাও। হ্যালো, চালিয়ে যাও। হ্যালো বাবা, আমি কি বুঝতে পারছি না, কে বলছেন আপনি? আমি রাজ চক্রবর্তী বলছি। আপনি কে শুনুন দাদা, আপনি শুভশ্রী কে ভালোবাসেন তো? শুনুন আরেকবার, আপনার জন্য শুভশ্রী গলা করি আমি। হাই, বাবাই দা। হ্যালো দত্তর বাবাই দা, স্টুডিও মে মেরে সাথ মে হ্যায় শুভশ্রী এন্ড রাজ চক্রবর্তী। হ্যালো, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সত্যি তোমার সাথে কথা বলে ভালো লাগলো, এন্ড তোমাকে মুর্গা বানিয়েও আরো বেশি ভালো লাগলো। বাবাইদা, আমি বিগ ফ্যান অফ ইওর্স, আমি একটা মুভি মিস করি না, স্পেশালি দ্যাট পরান জয় জুরিয়ারি এন্ড অল। আচ্ছা স্পেশালি ইওর টু গুড ইন রসগোল্লা এন্ড পরিণীতা, উফ মানে আই এম স্পিচলেস। থ্যাংক ইউ সো মাচ। মানে আমার একটা একটা আমার একটা ছবির নামও বললে না আমার। বিদ্যুৎ বাবু বলছেন? হ্যাঁ বলছি। রোহিত বলছি সাইবার ডিপার্টমেন্ট থেকে। সাইবার ডিপার্টমেন্ট? হ্যাঁ সাইবার ডিপার্টমেন্ট। আপনার অ্যাকাউন্ট আছে না? আছে। আপনার এই অ্যাকাউন্টে এখন আপনি ওই আপনার এক্স গার্লফ্রেন্ডের নামটাই রেখেছেন তো পাসওয়ার্ডে? একটা নাম রয়েছে কিন্তু সেটা এক্স গার্লফ্রেন্ড, সেটা আপনি মানে আপনাকে কেন বলবো? আমি সাইবার ডিপার্টমেন্ট থেকে বলছি, আপনার হেল্প করার জন্যই বলছি। হ্যাঁ না বলুন না। হ্যাঁ মানে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার বউ আছে তো? হ্যাঁ আছে তো। আর বউ থাকা সত্ত্বেও আপনি আপনার এক্স গার্লফ্রেন্ডের নাম রেখেছেন পাসওয়ার্ডে? মানে রাখিনি, রেখেছিলাম। এই যে আপনি যে বিবাহিত, তারপরে এই যে পরিবারে দাগ কাটবে না, এই যে এক্স গার্লফ্রেন্ডের নামটা রেখেছেন, ওটা আসলে আমি রেখেছিলাম। রেখেছিলাম কি, দেখতে পাচ্ছি সামনে আছে। মানে এটা কি, আপনার বউ এখন ফোনেও আছে, কথা বলুন আপনার বউর সাথে। ম্যাডাম বলুন। মানে নাকি, মানে আপনার বউ কমপ্লেন করেছে আপনি এখনো আপনার এক্স গার্লফ্রেন্ডের নামটা এখনো পাসওয়ার্ডে রেখেছেন, সেটা ক্রাইম। ম্যাডাম কথা বলুন ম্যাডাম। আরে 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 তুই শোনো, হ্যালো, আরে এনারা কি বলছে আমি জানি না। দেখো আমি আমি বিয়ের অনেক আগে ওই পাসওয়ার্ডটা ছিল। আরে আপনি তো বিবাহিত, 3 বছর ধরে সংসার করছেন, আপনি একটা এক্স গার্লফ্রেন্ডের নামে কিভাবে পাসওয়ার্ডটা রাখতে পারেন? তেমন না। আরে হ্যালো শোনো, আমি জাস্ট ওটা পাসওয়ার্ডটা দিতাম, জাস্ট এলাই, আমি মানে কখনো মানে মাথাতেও আসেনি যে আমার ওটা গার্লফ্রেন্ড, এরা কখনো চেঞ্জ করতে হয়নি ওটা, জাস্ট। আচ্ছা আপনার এই নাম বলে না, তার কি বিয়ে হয়ে গেছে? আরে এইটা একটা তো ক্রাইম। না না, আমি পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করে আমি আমার এই শোনো না, আমি তোমার পাসওয়ার্ড মানে তোমার নামে পাসওয়ার্ড দেবো। ইনফ্যাক্ট তোমার মানে তোমার ডেট অফ বার্থ তো দিয়ে দেবো, এটা প্লিজ। এই বিদ্যুৎ বাবু, এই যে পাসওয়ার্ডে নিজের এক্স গার্লফ্রেন্ডের নাম রাখা, বউয়ের নাম রাখা, এই যে ডেট অফ বার্থ রাখা, এটা বন্ধ করুন। এত সহজ পাসওয়ার্ড রাখবেন না, যে কোনো লোক ধরতে পারবে। কি হচ্ছে এটা? আমি আমি ভেবেচিন্তে কিছু একটা পাসওয়ার্ড দেবো, বা আমি এটা ডিলিটই করে দেবো জিমেইল। না এইভাবে जो रो रही थी ना, वो आपकी बीवी नहीं है, उनका नाम है निशा उर्फ रुक्मिणी। और जो साइबर क्राइम से रोहित बनकर के बात कर रहे थे वो हैं एक्टर देव, और मैं हूँ आरजे प्रवीण रेड एफएम से। हम आपका मुर्गा बना रहे थे, इट वाज जस्ट अ गेस कि शायद आपकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम ही आपका पासवर्ड है। इट वाज अ प्रैंक कॉल, लेकिन पासवर्ड को लेकर के कुछ जरूरी चीजें हैं जो दादा आपको बताना चाहते हैं। विदुदा सॉरी, प्रथमे क्षमा चेये निच्छि, एकटा कथा बोलबो आपनादेर सबाइके। गूगल बोलछे 60% মানুষরা তাদের পাসওয়ার্ড তাদের এক্স গার্লফ্রেন্ড, বউ বা তাদের জন্মদিন দিয়ে রাখে।
সেইটা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক। এই পাসওয়ার্ডগুলো রাখবেন না, শক্ত পাসওয়ার্ড রাখবেন যাতে কেউ জানতে না পারে, এইটাই আপনাকে বোঝানোর ছিল। আমাদের একটা ছোট্ট ছবি, তার নাম পাসওয়ার্ড, রিলিজ হতে চলেছে 2nd October, আপনি আপনার সহপরিবার সঙ্গে গিয়ে অবশ্যই দেখবেন। 2nd October the movie is releasing, please go and watch Password. Thank you. हेलो प्रीतम जी, कौन बोल रहा है? आपका शुभचिंतक बोल रहे थे। शुभचिंतक? अरे कौन बोल रहा है, नाम आम आया कोई कि नहीं? जरा संभल के रहा कीजिए आप, ठीक है? आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। बोल कौन रहा है? जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, हम बता रहे हैं आपको, जो कर रहे हैं आप ठीक नहीं है, सब गलत हो रहा है, ठीक है? और अगर हमारा मुँह खुल गया, अरे बोल कौन रहा बताओगे जरा? सुनिए, हम सब देखे, हम भाभी को बता देंगे। कौन हो तुम, कौन बात कर रहा है? हम जो भी बात करें, हम पहले बोले आपका शुभचिंतक है, लेकिन आप जो कर रहे हैं गलत है, हम सब देखे, हम भाभी को बता देंगे, और हम बता माइक काट देंगे। तुम यहाँ कहेंगे तो बताओ यार, आप जो कर रहे हो सब ठीक नहीं। हम तुम जा रहे हो यहाँ पे बता रहे हो, क्या बता दोगे वहाँ पे? हम भाभी को बता देंगे, बोल दिया। आप इतनी देर से गाली दे रहे, चुपचाप बैठे सुन रहे? सुनिए आप एक मिनट, लगे हुए यहाँ पे। भाभी का नाम, भाभी का नाम मीनाक्षी, नंबर 832 98। कहाँ से मिल गया तुमको नंबर? हैं? बताएं क्या? हम भाभी को बताएं अभी, बोले भाभी को। अबे पागल हो क्या यार? एक मिनट रुकिए तो, हम अभी फोन लगाते हैं भाभी को, एक मिनट रुकिए, अभी फोन लगाते हैं। अबे रुको, अरे अबे, हेलो हेलो हेलो, अबे कहाँ घुस गए? हेलो हेलो हेलो, नमस्कार सर, प्रीतम जी बोल रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं की तरफ से बोल रहा हूँ, एक छोटा सा सर्वे कर रहे थे। जी बताइए। ये तीन आवाजें मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, आपको बस बताना है क्या ये आवाजें फोन पर सुन के किसी को डर लग सकता है। पहला क्या? अरे इससे कौन डरेगा, जी इनकी आवाज से कौन? थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट सर। ये दूसरी आवाज, तबड़ीबाजी कर रहे हो, इससे कौन डरता है यार? ये सब कैसी बात है, वो तो गाना गा रही हो तुम, कह रहे हो डर। धन्यवाद सर आपका समय के लिए। ये तीसरी आवाज, फाइनल आवाज आपको सुन के बताना है। जी भैया, हम कह रहे इतना पहले कि हम भाभी को बता देंगे। तुम कहाँ से वहाँ पहुँच गए? हम दोनों साथ में हैं, भाभी को बता देंगे। अरे बहुत बड़े बहुत बड़े। प्रीतम भाई नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे। अरे भैया यार, तुम लोग क्या हेलो दीपिका, हाय दीपिका, प्रवीण फ्रॉम रेड एफएम, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बिल्कुल मजे में। अच्छा दीपिका, आप अपने बॉयफ्रेंड का मुर्गा बनवाना चाहती हैं, राइट? यस। हाँ जी, सो मैं अभी आपके बॉयफ्रेंड को कॉल करूंगा, आप लाइन पे रहिएगा और चुपचाप रहिएगा, क्योंकि हम उनकी किसी से बात करवाएंगे, ठीक है? डन। आप रिएक्ट मत कीजिएगा। डन। ओके, जस्ट बी ऑन होल्ड। हेलो, इज दिस रंजीत? रंजीत, हाय रंजीत। हाय, आपको शायद थोड़ा ऑड लगेगा, बट मैं एक्चुअली आपके ऑफिस के नीचे जो बैंक है ना, वहाँ पे आई वर्क। आपका नंबर आई मैनेज टू गेट इट। सॉरी, नाम नहीं बताया मैंने आपको अपना। माय नेम इज साक्षी। साक्षी? या। हाउ इज इट साक्षी? रंजीत, काफी महीनों से आई बीन काइंड ऑफ वॉचिंग यू, मतलब आते जाते देखा है आपको, तो मुझे लगा कि इनिशिएट करना चाहिए आपसे बात करना। तो लिटरली ब्लश कर रहा हूँ यहाँ पे मैं भी। तो दिख रहा है। मैंने आपका नंबर पता करवाया बिल्डिंग स्टाफ से ही एक्चुअली। तो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि अगर वीकेंड पे आप फ्री हैं तो अगर हम लोग मिल सकते थोड़ी देर के लिए। मैं तो फ्री हूँ, वीकेंड में तो मैं जाता भी नहीं। ओके, तो उससे पहले भी कुछ हो सके था। तो मेरा घर पास ही है ऑफिस से, घर पे कोई होगा नहीं, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर हम लोग मूवी देख सके साथ में एंड लंच कर सके तो परफेक्ट है। यू नो ऑफिस के आसपास तो हमेशा ऑफिस वाले मिल ही जाते हैं, तो मैं नहीं चाहती आप ऑकवर्ड हों बिल्कुल भी, इसीलिए आई सजेस्टेड कि घर पे। मैं तो बल्कि खुश हो रहा हूँ। ओके, मतलब रंजीत? हेलो रंजीत, दीपिका बोल रही हूँ। अब तुम ऑकवर्ड मेरा नाम सुन के हो रही हो क्या? तुम्हें बहुत खुशी हो रही है इसके साथ जाते हुए रंजीत? हेलो रंजीत, मतलब तुम उसके साथ जाने के लिए रेडी हो? तुम वीकेंड पे फ्री हो? मेरे लिए तुम वीकेंड पे फैमिली को टाइम दे रहे हो, इसके साथ जाने के लिए तुम वीकेंड पे फ्री हो? खाना बना के मैं लेकर आऊँ, हाँ, और उसके साथ तुम्हें वीकेंड मनाना है? कोई जवाब है रंजीत? रंजीत कोई आंसर है आपके पास? मतलब ये मेरा
मुझे डबल क्रॉस कर रहा है। रंजीत जवाब दो यार दीपिका का। अब उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, उसकी खुशियां सब उड़ गई एकदम से मेरी आवाज सुन के। वीकेंड मन रहा था ना रंजीत। हेलो। हाँ अबे रंजीत अब तो कैरेक्टर से बाहर आ जा भाई। दीपिका आप अपने बॉयफ्रेंड का मुर्गा बनाना चाह रही थी? या बट ही इज़ सो हैप्पी यार, दिस इज़ नॉट द वे। साक्षी हमारे ऑफिस में ही काम करती है, वो रंजीत को जानती भी नहीं है। हमने सेट किया था दोनों का। आपने गालियां दे दी, मतलब माँ बहन की गाली दे दी। सही है, कभी कभार होता है ऐसे। दीपिका एक बात बताएंगे आप? कल शाम को आप क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं कर रही थी। शाम को आप क्या कर रही थी दीपिका, सच सच बता दो यार। व्हाट, आप तो मेरे साथ खेल रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रही थी, क्या करूंगी मैं। मूवी हॉल की फुटेज है, आप किसी लड़के के साथ में मूवी देखने गई थी और आप कह रही हैं कि आप घर पर। हाउ कैन यू से दिस कि मैं कहीं मूवी देखने गई, मतलब अब तो मुझे आप उल्टा मुझे बोल रहे हो कि मैं कहीं गई थी। हाउ कम यू नो कि मैं गई। दीपिका हमारे पास फुटेज है, हमारे पास में दीपिका, हमारे पास में फुट के साथ गई थी। दैट्स ओके यार, आप फ्रेंड्स के साथ में नहीं गई थी, आप सिर्फ एक लड़के के साथ में गई थी। व्हाट इज दिस, तुम उल्टा मेरे को ले रहे हो उसमें। मैम आप दीपिका यार चिल ना, दीपिका दिस क्वेश्चन विद मी नो। दीपिका आप गई थी ना कल मूवी, लेकिन आपने अपने बॉयफ्रेंड को बोला मैं गई थी मूवी। देन व्हाट, देन व्हाट, मैं गई थी मूवी, फिर क्या हो गया? दिस इज बुलशिट, यू आर नोबडी टू आस्क मी दिस क्वेश्चन। सो आप गुस्सा रंजीत। हाँ सर। क्या लग रहा है तुमको, जो तुमने बताया सच्ची है? पक्का ही हो गया। पक्का हो गया भाई, भड़क गई। हेलो विनोद जी से बात हो रही है? जी बात कर रहा हूँ। हाय विनोद, दिस इज द सीनियर एचआर फ्रॉम योर कंपनी। कितने साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे? इट्स बीन 3 इयर्स। एंड वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स फ्रॉम हियर? सर मतलब जाहिर सी बात है सर, ग्रोथ चाहता हूँ। एंड हाउ इज द वर्क एनवायरनमेंट इन ऑफिस? इट्स प्रीटी कूल सर, अच्छा माहौल है। कोई चीज है जो आपको चाहिए कंपनी की तरफ से? नहीं सर, एज सच तो कुछ नहीं चाहिए, अच्छा चल रहा है, बस वही है ग्रोथ चाहिए बस। ग्रोथ आपको मिलेगी विनोद जी। कुछ एक डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप लेकर के आइएगा, बिकॉज हम आपको ऑफिस में पीछे की तरफ एक केबिन है, इफ यू हैव सीन। हाँ हाँ सर मैं देखा हूँ जी। सो वो पीछे वाला केबिन हम आपको देने वाले हैं, ठीक है? वहाँ से आपकी नजर जो है बाएं दाएं और पूरे मतलब ऑफिस में सब पर रहेगी वहाँ से नजर। सर मैं वो मैंने देखा वो केबिन सर। यू विल बी लीडिंग द टीम, वहाँ पीछे से आप सबको इंस्ट्रक्शंस वगैरह देंगे, राइट? ओके है ना? Okay. कोई कंप्लेन, कोई ग्रीवांस वगैरह आपकी कंपनी के प्रति? नहीं right. सर मेरी कोई डिमांड नहीं है। हां जी, वी वांट यू टू कैरी फ्यू पेपर्स, बिकॉज कल एफिडेविट करवा करके विल बी चेंजिंग योर नेम। सॉरी सर विनोद, हम आपका नाम बदलवाने वाले हैं, तो आप कुछ पेपर्स वगैरह हैं वो लेकर के आइएगा। नाम बदलवा रहे हैं सर, मतलब मैं समझा नहीं सर जी। आपका नया नाम होने वाला है अब सरफराज। लेकिन क्यों सर, मैं समझा नहीं, मतलब डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस? नहीं सर, मतलब वो केबिन तक तो ठीक था, लेकिन ये हां केबिन मिलेगा एकदम पीछे से, जहां से आप चारों तरफ देख पाएंगे, दाएं बाएं सब जगह पूरा ग्राउंड वगैरह सब दिखाई देगा आपको। सर मैंने वो कैबिन देखा, अच्छा कैबिन है, बट ये नाम बदलवाना जरूरी रहेगा क्या सर? हाँ जी, आपका नया नाम होने वाला है सरफराज अहमद। क्यों सर, मतलब आई मीन सॉरी सर, मगर नाम बदलवा कर कैबिन में समझा आपको कैबिन दिया है पीछे की तरफ, एकदम विकेट कीपर वाली पोजीशन है। नाम आपका विनोद से हम सरफराज अहमद रख दे रहे हैं। अभी मैच देखा ही होगा आपने, कैसे सरफराज अहमद विकेट्स के पीछे खड़े करके उबासी ले रहे थे, है ना? जी सर। तो आप भी तो वही करते हैं ना दिन भर ऑफिस में? सॉरी सर, आप भी तो दिन भर सोते ही रहते हैं ऑफिस में? नहीं सर ऐसा तो नहीं है सर, मतलब बेटा ऐसा तो है। माफ कीजिएगा मैं बात कर रहा हूँ, कौन बात कर रहा है? इतनी देर तू अदब के साथ में, इज्जत के साथ में पेश आ रहा, अभी बोल रहा है कौन बात कर रहा है? मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, कौन बात कर रहा है? तो तुमको क्या लग रहा था मैं तुमसे मतलब गुलछर्रे उड़ा रहा था? तू सच सच बता, ऑफिस में सोता है कि नहीं तू अपने टेबल पे बैठ करके? नहीं पहले इसीलिए आप बताओ कौन बात कर रहा है। इसीलिए विनोद आपका नाम हमने नया नाम दिया सरफराज अहमद। अब जो भी ऑफिस में सोने वाले होंगे ना लोग, उनको नया नाम यही मिलेगा सरफराज अहमद। अपने बारे में बताएंगे मुझे कौन बात कर रहा है? अरे मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। अरे सर भाई तू सोता है कि नहीं ऑफिस में? सच सच बोल भाई, सच सच बोल, देख झूठ मत बोले, मेरे से झूठ मत बोलना, सोता है ना? हाँ कभी कभी जाता हूँ। हेलो विक्रम जी बात कर रहे हैं? हाँ विक्रम जी, आपने ऐप डाउनलोड किया था एंड उसमें कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, राइट? राइट राइट। तो विक्रम जी हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे अभी, अगर आपने 3 सवाल के सही जवाब दिए तो राइट अवे आपके अकाउंट में 51,000 रुपए का बैलेंस हम ट्रांसफर करेंगे। ओ वाओ। तो सर आप तैयार हैं? हाँ हाँ। अगर आपको जवाब मालूम है तो आप जवाब दे सकते हैं या फिर आप ऑप्शंस का इंतजार करें। पहला सवाल आपके लिए ये है कि दंगल मूवी किसके ऊपर बनाई गई है? ऑप्शन ए लूडो, ऑप्शन बी चेस एंड ऑप्शन सी कुश्ती। कुश्ती कौन नहीं जानता है? क्या बात, सही जवाब, बिल्कुल आप सिर्फ 2 जवाब से दूर हैं, 51,000 रुपए आपके पास में होंगे। सूरज के सबसे नजदीक कौन सा प्लान
प्लैनेट है? ए मार्स, बी वीनस एंड सी मर्करी। मर्क्यूरी है क्या? बिल्कुल सही जवाब, सिर्फ एक कदम दूर आप 51,000 रुपए से। पूछे सर। हाँ हाँ प्लीज। कौन से इंडियन म्यूजिशियन को ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है? यार रहमान, इसमें ऑप्शन भी क्या चाहिए? क्या बात है, आपने सारे सवालों के सही जवाब दिए हैं सर। तो जी कर दीजिए फिर। हाँ जी, ये है, में आएगा ना हमारे अकाउंट में। सो विल गेट बैक टू यू। मतलब विल गेट बैक टू यू? नहीं समझा, आपको नंबर देंगे तो उसमें अकाउंट में देंगे ना सर? ये एक टर्म है, ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, दैट वी विल गेट बैक टू यू, ये तो आपको अच्छे से समझ में आता है सर। आई विल गेट बैक। यू आर एन एचआर, राइट? राइट। आपने इस महीने 18 लोगों का इंटरव्यू लिया है? हाँ, दैट इज माय प्रोफेशन। हाँ, लिया होगा। 18 लोगों का इंटरव्यू लेकर के आपने 18 से कहा है वी विल गेट बैक टू यू, कहा ना? हाँ, बट सर एक बात बताइए सर, अभी भी वो पोस्ट खाली है, वेकेंट है? हाँ, बट अगर किसी को जॉब नहीं देनी तो मुंह पे बोल दीजिए ना कि सर आई थिंक यू आर नॉट सूटेबल फॉर दिस प्रोफाइल, वी विल गेट बैक टू यू बोल करके आप उनके मन में आशा की किरण जगा देते हैं, जैसे मैंने अभी आपकी आशा की किरण जगाई, और जब मैंने कहा वी विल गेट बैक टू यू तो आपको ऐसा लगा कि मैं जैसे आपको धोखा दे रहा हूँ। I do understand, but आप ये सब मुझसे क्यों बोल रहे हो और आप कौन हैं? सर मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। मेरे पास में एक कैंडिडेट का फोन आया था, उसने कहा कि उसके बैच के ही 4 और लड़कों का इंटरव्यू आपने लिया एंड आपने सबसे कहा विल गेट बैक टू यू एंड इट्स बीन मोर देन अ मंथ, आपने किसी को कॉन्टेक्ट नहीं किया है और वो पोस्ट अभी भी आपकी कंपनी में खाली पड़ी है, एटलीस्ट फोन करके कर्टसी सेक के लिए इतना ही कह दो कि सर आप कहीं और ट्राई करें। सर या आई डू अंडरस्टैंड दैट, बट एज पर द कंपनी प्रोटोकॉल आई हैव टू फॉलो दोस, बट यस आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। दिल में मत लीजिएगा सर, क्योंकि मैं भी शायद अपना ही काम कर रहा हूँ। नो आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। ओके, जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर एंड टू ऑल द पीपल, ऑल द एचआर, नहीं हायर करना मुंह पे बोल दे। अभी भी आप सुन रहे थे क्या बात है? देखो जी, आज हम जिनका बैंड बजाने जा रहे हैं उनका नाम होता है प्रियांश, और इनको ना मांगने की बड़ी आदत है, जिसको देखते हैं उसी का नंबर मांगते हैं। यार इसका नंबर करवा दे, यार इसका नंबर ला देगा, आज इनको नंबर ही देते हैं, बजाओ इनका बैंड। हेलो हेलो, प्रियांश भाई बोल रहे हैं क्या? हाँ भाई, मैं सोनू बोल रहा हूँ यार। कौन सोनू भाई? उस दिन वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे ना डीडीए के पार्क में, तब आया था मैं टीटू के साथ। हाँ तो भैया उस दिन वो नहीं लड़की देखी थी आपने, उसका वो मदर डेयरी के पास जो देखी थी, आपने बोला था इसका नंबर ला के दे दे यार तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हाँ हाँ, तो भैया वो नंबर तो नहीं है, वो प्रियंका है उनका नाम, और सामने खड़ी है, लो बात कर लो, एक काम करो आप। अरे मैं पागल है। हेलो, बात थोड़ी कर सकता हूँ? सुनो तो बात कर रही है, सुनो बात कर लो। हेलो हेलो, बोलो। नंबर दूं? नंबर चाहिए तुम्हें? पापा का नंबर दूं मैं? हेलो हेलो भाई, बात कर लो ना। अरे भाई तू नंबर दे दे यार, मैं कर लूंगा बात बाद में आराम से। अच्छा सुनो, और वो जो उस दिन टिक्की वाले के पास भी तुमने बोला था ना, इस लड़की का भी नंबर ला दे, सोनिया नाम है इनका, बात कर लो। हाय प्रियांश, क्यों चाहिए आपको मेरा नंबर? अरे वो बात करा दो से। कर ले बात। पागल आदमी यार, तू से बात करा यार, तू नंबर मांग रहा है, मतलब से ऐसे थोड़ी बात कर सकता हूँ? फिर कैसे बात कर सकते हो, गरारे करके फोन करोगे क्या ऑडो नील के? हैं, तुमने हमारी जान में लकड़ी का रखी है, तो कभी तुम्हारे को टिक्की वाली पे कोई लड़की दिख जाती है, कभी तुम्हें मदर डेयरी पे कोई लड़की दिख जाती है, कभी कहीं पे दिख जाती है। हेलो। हाँ। कोई लड़की तुमने परवल लेते हुए भी देखी थी क्या? हैं, ये मैडम बात करना जरा। हेलो प्रियांश, नंबर चाहिए तुम्हें? पहले अपनी बहन का नंबर दो मुझे। मैडम वो उनसे बात करा दो आप। हेलो, किसी से बात कराए थे थोड़ा सा? अच्छा, मैं हूँ ये चू आदमी जो तुम बोल रहे हो? हैं, तुम ना हो, शट अप कर लो यार तुम। मैंने तेरा नंबर कब दिया? मेरे को लड़के फोन करते रात को 3:30 बजे, पता फोन करके कहते किसी नंबर लड़की नंबर दे दे यार, तो मैं बिचौलिया हूँ यहाँ पे होगा। अच्छा है यार, तुम आज ऐसा है, सुनो मेरी बात सुनो, तुम बात करके रहोगे आज, वो जो परवल ले रही थी उदाहरण मैडम, आना बात करू। हेलो। हाँ जी। हाँ प्रियांश। हाँ जी बोलिए। क्या क्या बात करनी थी तुम्हें, बताओ ना। अरे मैडम ये पता नहीं गलत बातें बोल रहा है, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला किसी को कि बात करनी है मुझे। तुम बताओ तो क्या बात क्या करनी है, बताओ ना पहले मुझे, मैं भी बात करना चाह रही हूँ तुमसे। अरे मैडम मैं ये देखो वो गलत आदमी है, वो आपको गलत बातें बोलता है लोगों के। हाँ मैं गलत आदमी हूँ है, छिपकलियों का प्रेग्नेंट करवा दिया है, मेरे मम्मी पापा के ट्रू कॉलर पे मौज बहार नाम आता है, पहले ये बता तेरे से जैसा जलील आदमी नहीं देगा पूरे मोहल्ले में, तूने क्या नाम से मेरा नंबर बिकवा रखा है, बिटवा रखा है, बताइयो। तू क्या बैंडी वाला हो गया, साले हर लड़की को अपने पास बिठा के रखा हुआ है। मेरे को अब ये सुन मेरी बात, मेरे को ये बता मैं अपने पापा को क्या बोलूं, मौज बहार कौन है, क्या है, क्यों है? बाप तेरा मेरा। अभी तक तो मैं इन 3 लड़कियों से तेरी फोन पे बात कर रहा था, इसको घर लेकर आ रहा हूँ शाम को तेरे पास। पागल है, 6:40 पे देखियो तू। 6:40 पे क्या होगा, बैंड बजेगा आपका जो भी रिकॉर्ड हुआ है। हेलो
हाँ जी भाई, मैं आशीष बोल रहा हूँ, दिल्ली का कड़क लौंडा। भाई नंबर बड़े मांगते। हेलो दिवाकर जी। हाँ बोलिए जी। हम लोग मैडम टुसॉर म्यूजियम है ना, जो वैक्स स्टैचू बनाते हैं। हाँ हाँ। हम उनकी तरफ से बोल रहे थे। क्या बोले सर? हम लोग आपकी एक स्टैचू बनाना चाहते हैं। मेरा स्टैचू? जी सर। अमिताभ बच्चन लग रहा हूँ तुमको। नहीं सर, बट आपके जैसे लोग बहुत कम है, बिकॉज लोग वॉशरूम जाते हैं। हाँ। वॉशरूम को गंदा करके आते हैं। हाँ। राइट? लेकिन आप जो वॉशरूम जाते हैं सर, पूरा वॉशरूम धो करके आते हैं, चारों तरफ पानी रहता है, एकदम ऊपर दीवार तक आप पानी छींट करके आते हैं सर। जासूसी करते हो यार मेरे पीछे? ये यूनिक क्वालिटी है, बहुत कम लोगों में होती है ये। बताइए कौन बाथरूम करने जाता है, ऊपर दीवार तक पानी छिड़का देता है? कौन बोल रहे हो तुम भाई, ये तो पहले बोलो। बताया तो मैडम टू सॉर्ट की तरफ से बोल रहा हूँ, आपका स्टैचू बनाना है। अच्छा सुनिए, दूसरी बात, आप जो ऑफिस में बैठ करके ऐसे पिक्चर वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं, ये एक लुप्त होती हुई कला है, जो शाम को पेनड्राइव में आप घर ले जाते हैं। देख कौन बोल रहे हो तुम? कौन बोल रहे हो तुम भाई? नहीं सर, कोई बंदा हो तो मुझे लग रहा है। मैं डेंटल क्लिनिक से बोल रहा था, आप यहाँ पर थोड़े दिन पहले आए थे ना सर। हाँ। हमें लगा सर कि बात करने से पहले थोड़े हंसी मजाक कर लेना चाहिए, क्योंकि तो ऐसे बोलो ना यार, ऐसे प्रैंक क्यों करते हो? क्यों कर रहे हो? नहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहा सर मैं, देखो सर इंसान हंसते रहता है ना तो वो हमेशा हेल्दी रहता है। Okay. हमने ये हमारे डॉक्टर से कहा। तो सर द थिंग इज, आप जो दांत का यहाँ पर इलाज करवाने आए थे, दांत में कीड़ा वड़ा लगा सर, रिपोर्ट आ गई हमारी। अच्छा। तो वो आपको दांत निकलवाना नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही मर जाएगा। कैसे? 5 दिन का कोर्स है ये, लेकिन 5 दिन पूरा करना पड़ेगा। जरूर करूंगा। क्या दवाई क्या है बोलो? मैं बता रहा हूँ आपको, हर दिन सुबह और रात को 60 ml 60 ml करके विस्की लेनी है। विस्की? जी। इससे काम हो जाएगा? जी इससे काम हो जाएगा। 4 दिन आपको विस्की लेनी है। ओके, 5वें दिन क्या करना है फिर? 4 दिन आपने विस्की ली, 5वें दिन पानी लीजिएगा। क्यों? जब पानी लेंगे तो कीड़ा ऑटोमेटिकली दांत से बाहर निकलेगा, बोलेगा आज विस्की नहीं है क्या भैया? तो हाथ ऐसे ऐसे कीड़ा पकड़ कौन है तू? तेरे पास बहुत टाइम बचा है तुझको, तो घर में कुछ काम करना। आप वो कैसे करते हैं सर, ऊपर तक छींटे कैसे जाते हैं बाथरूम में? कौन है सर? लास्ट कौन सी मूवी डाउनलोड करी ऑफिस में? कौन बता दो, किसने बोला तुझको फोन करने के लिए? थोड़ा कौन बता दो, नाम बता। तेरे बहुत लंबी मूवी डाउनलोड कर ली सर आपने। कौन है बोलना पे? प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफ एम 93.5 से। ओह माय गॉड। बट सर ट्रेड सीक्रेट बता दीजिए सर, छींटा ऊपर तक कैसे? कहीं आप ढोली तारो ढोल बाजे डांस तो नहीं करते बाथरूम के अंदर? हेलो। हाँ इधर गाड़ी उठा रहे हैं, इधर इसकी। हाँ इधर मैं लगाई भी है, ये व्हाइट रंग की गाड़ी आपकी है क्या? अरे है, पर कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहे भैया? अरे इसको उठा करके ले जा। हाँ कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल? अरे मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आपकी गाड़ी इधर में नो पार्किंग लगाई हुई थी, आपकी गाड़ी अभी पार्किंग में लगी थी। 1 मिनट रुके, मैं आ रहा हूँ। आपके आने से कुछ नहीं होगा, अभी तो गाड़ी आपकी उठा करके ले जाई जाएगी। देख करके उठाना, थोड़ा खरोच वरोच कम लगे। सीधा कल आना पड़ेगा सियालदा कोर्ट में, ठीक है? वहाँ आकर के आप गाड़ी छुड़वाएंगे। अबे तुम लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, गाड़ी उठाओ फटाफट ले चलो इधर से, ऐसे कहीं आदमी, इतनी गंदी गाड़ी है। अरे सर रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ। आपकी गाड़ी में भाई साहब एसी भी आपकी गाड़ी का बहुत खराब है सर। गाड़ी लॉक थी, गाड़ी कैसे खुल गई? भाई साहब गाड़ी आपके लिए लॉक थी, पुलिस वाले के लिए नहीं, हमने तो शीशा तोड़ करके खोल लिया, अंदर घुस गए हम। शीशा भी तोड़ रहे? देखिए हम पुलिस वाले हैं, जांच पड़ताल करना हमारा काम है, और जांच पड़ताल में पता चला, सुनिए आपके ऊपर अलग से केस लगेगा। 2 बोतलें निकली है की, गाड़ी के अंदर में दारू पीते आप? अरे तो दारू रखी है कौन सा, हमने पी लिए, और वैसे भी अगर रखी है सील्ड पैक थी कौन से, हमने भाई साहब और नहीं नहीं सील्ड तो है नहीं ना, वो एक्चुअली खोल करके हमने थोड़ी सी पी ली चखने के लिए कि क्या है, जांच पड़ताल होती है ना, तो अब तो खुली हुई बोतल है, तो आप गाड़ी में खुली हुई बोतल रखते हैं, ये तो आपका केस लगेगा इसका अलग से। अपनी औकात में रहे, 13,500 रुपए आपके फाइन लगेंगे इन टोटलिटी। 13,000 किस बात के भैया, मुझे कानून ना सिखाओ। आपकी गाड़ी उठा करके ले गए, का एसी खराब है वो रिपेयर करवाना पड़ेगा, दूसरा गाड़ी में बोतलें मिली है, ठीक है? तो ये सारा लेकर के तेरी हिम्मत कैसे, मेरी बोतल खोली, शीशा तोड़ा, ये सब क्या हो रहा है? अच्छा ऐसा है कि आप एक काम कीजिए, परसों आइएगा गाड़ी लेने के लिए, ठीक है? परसों क्यों आओ, अभी आ रहा हूँ मैं। नहीं नहीं परसों ही आपको गाड़ी तो परसों मिलेगी, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मेरा फैमिली के साथ में थोड़ा बाहर घूमने जाने का प्लान था, तो हमने सोचा कि आपकी गाड़ी लेकर के निकल जाए, ठीक है? बात सुन, ये तेरी हिम्मत कैसे हुई? आप गाली किसको दे रहे हैं? मैं तुझे दे रहा हूँ, सुन मेरी बात, मेरे साथ मत कर। देखिए बच्चे बड़े दिन से बोल रहे थे पापा घूमने जाना है, घूमने जाना है, यार गाड़ी मिली आपकी, मैं ले जा रहा हूँ, अभी तेरे पास आ रहा हूँ, तेरी
और तू मेरी गाड़ी घुमाने लेके जा नहीं, नहीं अभी तो आप खोज ही नहीं पाएंगे हमें। अरे ओ यार मेरी बात सुन, तो पुलिस वाले किसे एंगल से जितना बोलना था बोल लिया, जितनी गालियां देनी थी दे ली। अब मैं एक बात बर्दाश्त नहीं करूंगा आपसे, पुलिस वाले को गाली दे रहे हैं आप। इमोशनल हूँ भाई साहब, चुपचाप मेरी गाड़ी दे दे अभी भाई साहब। मैं इमोशनल हूँ पुलिस वाले को गाली दे रहे हैं। मेरा बाप कौन है तुम्हें बाप कौन है? आपको मालूम नहीं मेरा बाप कौन है? मेरा बाप रेड एफएम है। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। और भाई साहब आपका भाई कसम से अगर ये सब यार नींद में था यार। हेलो शालिनी, राइट? यस। हमने आपकी तस्वीरें देखी फेसबुक पर एंड यू लुक रियली अमेजिंग। आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम आप बहुत खुश मिजाज और ओपन माइंडेड गर्ल है। Yeah. ऐसा है शालिनी, we liked all your pictures. Thank you. And we see a supermodel in you. Oh, really? So the thing is that, you know, आपने बहुत सारी pictures upload करी हैं, लिखते हुए hotness personified, hotness to the core. I'm too hot actually. I feel that. तब तो आपको गर्मी में बाहर निकलना ही नहीं चाहिए. It's just a small IQ test that we want to take. अगर आपकी इजाजत हो तो. Yeah, go ahead. अंडे से जब चूजा निकलता है तो उस अंडे को कितनी गर्माहट पे गर्म किया जाए कि वो अंडा फोड़ करके चूजा बाहर आ सके। दिस इज द आईक्यू क्वेश्चन। आई रियली डोंट नो, सो सॉरी। आपने चाचा चौधरी की कॉमिक्स पढ़ी है बचपन में? यस यस डेफिनेटली। तो साबु को जब गुस्सा आता था तो जो ज्वालामुखी फूटता था उसके लावा का टेम्परेचर आप बता सकती हैं? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी एनवायरमेंट रिलेटेड कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट। ओके, सो आई विल आस्क यू वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई थिंक दैट यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। कॉफी में एस्प्रेसो आती है एंड लैटे आती है, तो इनमें से ज्यादा गर्म कौन सा है? आई थिंक मेरे हाथ में दोनों में से जो भी रहे वो अपने आप हॉट हो जाएगी। इसका टेम्परेचर अपने आप राइज हो जाएगा। कितने डिग्री टेम्परेचर में पूड़ी को तेल में डाला जाए तो पूड़ी गोल गोल छन करके निकलेगी? डू यू नो दैट? हेलो एक्सक्यूज मी, ये क्या सवाल है? किसको ले आए हो यार? एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई है अभी तक। हां यू गाइस थिंक आप मुझे रोटी बनाने के लिए और पूड़ी बनाने के लिए अंडे उबालने के लिए? यू गाइस थिंक दैट शुड बी अ मॉडल? अरे नहीं यार, आई एम टॉकिंग टू अ वेरी पोलाइटली, बड़े अच्छे से बात कर रहा हूँ यार। वो बदतमीजी पे उतर आई है, वो मुझे पूछ रही है। शी इज हॉट सर, वाले सवाल पूछ रहा हूँ, मुझसे बोल रहे हैं कि मैं बदतमीजी कर रही हूँ। शालिनी आपके पिक्चर देख करके ही हम फिदा हो गए। ओके वी फाइनलाइज यू, वी फाइनलाइज यू, डोंट वरी। आईक्यू नहीं है, नहीं है, चलेगा। या व्हाट डू मीन बाय आईक्यू नहीं है? शी इज हॉट सर, हाउ कैन यू से दिस टू मी? आईक्यू नहीं है, आपने हर पिक्चर में लिखा है हॉटनेस पर्सोनिफाइड ये एंड ऑल। सो आप मुझे बता सकती हैं पर्सोनिफाइड की स्पेलिंग क्या है? PERSONIFIED। देखिए अमिताभ बच्चन जी भी अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी बात को। हेलो बोल कौन रहे तू? बंद कर दे इसे, क्या बकवास है ये सब सुनाने के लिए मुझे कॉल किया है? आपका को पार्टनर जो आपके साथ में रहेगा, हिज नेम इज सूरज, तो मैं चाहता हूँ कि आप सूरज से जरा बात करें। मुझे किसी पार्टनर को नहीं सुनना है, ठीक है ना? तो पहले मेरी सुन। आप बोलती भी बहुत अच्छा है, वी आर वेरी इम्प्रेस्ड। आप सूरज से बात कीजिए। ऐ सूरज आप बोलना, बोलना सूरज। कहते हैं कि सूरज दिन को और सपना रात को देखा जाता है, सूरज को तो शाम के वक्त ढलना ही है। सूरज की तरह सदियों अपनी ही आग में जलता रहूंगा। सूरज कभी नहीं डूबता, सूरज भी शाम की तरह आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता है। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि अन्नाड़ी कौन है, तुम या सूरज। अरे कितना गाली देगी। रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, मुर्गा बनाया जा रहा था आपका। ओह माय गॉड। लेकिन वी स्टिल वांट टू नो फ्रॉम यू कि कितने डिग्री टेम्परेचर पे इंसान के फट जाते हैं हॉट। हेलो जी अल्ताफ, आप हमारे सलोन में आए थे, आपने इधर में हेयर कट वगैरह करवाया था? हाँ, ये जो धोनी जैसे लंबे बाल थे ना आपके, आप अभी सुशांत बन के गए, छोटे छोटे बाल करवा के गए हो ना, आपसे ये जानना था कि आपका कुछ छूटा था क्या हमारे सलोन में? नहीं कुछ तो नहीं। सब देख लिया आपने, पॉकेट वॉकेट सब चेक कर लिया कि आगे पीछे सब जगह? कुछ भी नहीं छूटा, मैं सिर्फ बाल कटवा के वापस आ रहा। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ छूटा है तो आप विश्वास नहीं करो हमारी बात का। अरे भाई छूटा है तो बताओ ना, अब मैं क्या बताऊँ कि क्या छूटा है सलोन? आपने ये जो लंबे लंबे बाल कटवाए थे? अरे यार वो तो मेरे बाल थे, वो तो कटवाया था, वो तो वही छूटेगा ना। अरे नहीं सर, बाल में ना आपकी बहुत जुए निकली है। हो तुम कौन? सलोन वाला बोल रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ, दो दिन हो गए सलोन से बाहर नहीं निकल पाया। हमारे सलोन के बाहर में बंदरों की लाइन लग गई है, मालूम क्यों? मुझे क्या मालूम क्यों आ रहा है? आपकी जुओं के कारण। मेरी जुओं के कारण? हाँ आपकी जुओं के कारण, थोड़ी ना बोला आपके बाप के जुओं के कारण।
बाप क्यों जा रहे थे? ये जो जुए ना आप छोड़ के गए ना, ये अब हमारे बाप बन गए, इतने बड़े बड़े हो गए हैं, कोई आदमी बाहर ना जा पा रहा, बाहर बंदरों की लाइन लगी है। ये तो आप ही के हैं, बड़े हो गए, देखिए बात कर रहे हैं, बात कीजिए। ये जुए हैं आपकी, बड़ी हो गई है। अगर वही कर रहे हैं तो ये जुओं का करो, हमें क्यों बोल रहे हैं, हमारा क्यों कर रहे हैं भाई, आपके कारण हमारा धंधा चौपट हो गया है। उन जुओं की बाल बना के मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो, मुझसे क्या मतलब जुए, हमारे तीन क्रीम के डब्बे खा गई है। उन जुओं की एक जू तो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बात कर रही है, तेरा मालिक है ये? मैं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? मैं बेची टोकी बोलते नहीं, ये बोल तो रहे हो तू, मतलब आ रहे हो कौन मेरा? मुझे तो छोड़ के चली गई, आप पानी नहीं लगाते थे बाल में, मुझे खुशी होता था बहुत, इसीलिए तो मैं रोज रोज आपको वही कान के सामने काटा करता था ना। कौन बोल रहा है, समझाए मुझको तूने? नहीं मालिक, मैं चाहता कि मेरा जिंदगी भर मैं आपके कान के सामने टोकता रहूं। आपको याद कर रहे हैं, ये बड़ा मिस कर रहे हैं, ये जुए आकर के ले जाइए आप, ठीक है? ऐसा है, मुझे जुए में शौक नहीं है, तुम उसको रख लो और उसको खाना बना के खा जाना, ठीक है? नहीं नहीं, ये हमारे रेडियो स्टेशन में क्या करेंगे, इनको रेडियो स्टेशन में रख के कोई फायदा नहीं है ना, सो आप ले जाते तो बेहतर रहता। रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा था, और आपका मुर्गा हेलो जसविंदर जी बात कर रहे हैं? जी कर रहा हूँ। तीन दिन से आपके दुकान पर नहीं आए आप? अरे कहीं बाहर आ रखा हूँ भाई साहब। कहाँ गए बाहर? ए यार हनीमून पे आ रखा हूँ भाई, थोड़ा जल्दी आ जाएंगे हनीमून से। आपके बोलने से क्यों आऊँ मैं, कौन हूँ आप? मैं ना आपके दुकान के बगल से हर दिन गुजरता हूँ ऑफिस जाते वक्त, और आपकी शक्ल देख करके जाता हूँ, मेरा दिन ना भाई बहुत अच्छा जाता है, अब तीन दिन से आप हो नहीं। अरे भाई थोड़ा टाइम बाद आऊंगा, थोड़ा टाइम वेट कर ले यार, आपकी शक्ल इतनी गंदी है ना, देख लेता हूँ तो ऑफिस में मेरा दिन अच्छा चला जाता है, क्योंकि ऑफिस की गंदगी सब नेगेटिव हो जाती है। क्या नंबर कहाँ सा है? सुनिए ना ना। अरे आप कौन हो मैडम? मैं इनकी बीवी। अरे तो मैडम इनको समझाओ ना, अपनी शक्ल दिखा के चुप कराओ इनको। मेरी वैसे भी शक्ल कौन सी देखी, इन्होंने शादी की थी? मैंने तो वो देखा था, वो देख करके शादी कर ली थी बीवी से। जो देखा था उसको फिर से दिखा दे मैडम, फिर से वो दिखाओ, मुझे परेशान मत। आप बहुत निहायत ही कमीने, नीच किस्म का। मैंने कुंडली देखी थी, कुंडली देख करके शादी करी थी, और इसका दिल अगर आप एक बार देख लेंगे ना, इतना बड़ा है ना इसका दिल, आराम से। अरे भाई यार कुंडली फिर से दिखाओ मैडम इसको यार। देखिए बुला रही है आपको लड़की, प्यार से आइए ना, पहले तेरा नंबर निकाल के ना घर में आगे तेरी। आपके ये सब भी शौक है? अबे साले तू है कौन? HR बोल रहा हूँ, घर में घुस के मारूंगा साले देख तू भी। हेलो, हाँ जी, आपके नाम की एक मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई है। आप कौन बात कर रहा है यार, क्या हो गया भाई? बोला गया है कि आपकी शक्ल एकदम से मिलती है, और आपकी शक्ल देख करके इंसान का दिन जो है वो ऑफिस में बड़ा अच्छा जाता है, वापस आ जाएंगे तो इसकी नौकरी भी बच जाएगी, हनीमून का तो दोबारा भी मना लेना, नौकरी अगर चली गई हाथ से तो गरीब माँ बाप है इसके। अरे थाने से बोल रहा हूँ, रिपोर्ट लिखाई गई है आपकी, जल्दी से आइए आप। क्यों परेशान कर रहे हो यार? अरे आज ही अपने गंदी शक्ल दिखा दीजिए, लड़के का काम हो जाएगा। क्या कर रहे हो? सुनिए ना, आ जाइए ना। अरे मैडम मैं बिहार ही पहुँच गया। एक मिनट, ये मेरी बीवी है, ये क्यों ड्यूल किरदार निभा रही है, कभी वहाँ पहुँच जाती कभी यहाँ पहुँच जाती, इसका सीन क्या है यार? अरे मैं डबल टाइमिंग कर रही हूँ ना, दो दो जन को, उसके साथ भी मेरे साथ। क्यों पागल बना रहे हो मुझे सारे यार? एक बात मेरे को बताओ, सुबह से तुम्हारा हुआ नहीं है क्या? अबे क्या नहीं हुआ यार, इसको चुप करा मैडम को, आ जाइए मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत हनीमून बना रहे हो, गाली मत देना मैडम को, रिस्पेक्ट करो मैडम समझ के, ठीक है? चुप हो जाए मैडम, प्यार से बोलती है, उन्होंने गालियों में PhD कर रखी है। मैं रेड एफएम से बोल रहा हूँ, आरजे प्रवीण, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था, आपके दोस्तों ने नंबर दिया था आपके हनीमून पे आपको डिस्टर्ब करने के लिए। अरे भाई कैसा जा रहा है हनीमून? सिग्नल नहीं आता, सिग्नल वैसे नहीं आता, बड़ा तुम परेशान कर रहे हो साला। सिग्नल नहीं आ रहा तो नेटवर्क भी नहीं हो रहा होगा ना फोन पे। अरे भाई यार, हेलो, मेरा नाम गणेश कॉन्ट्रैक्टर। हाँ भाई बोलो। आपका जो घर है ना जादवपुर में, सारा अरेंजमेंट हम करवा दिए हैं। कौन सा अरेंजमेंट? आप अपना दोस्त कार्तिक को बोले थे ना, आपकी बीवी घर पे नहीं है तो थोड़ा पार्टी उटी करने का मूड, आपको थोड़ा डांसर वांसर ऐसा, तो घर पे पूरा सेटिंग करके आए हैं, डांसर वांसर सब तैयार बैठे रंगीन कपड़ा पहन के, बस आपका इंतजार कर, आप आएंगे महफिल जम जाएगी। प्रभु मरवाओगे हम, काहे मरवाएंगे? अरे बीवी हमारी पिछले हफ्ते नहीं थी, अभी है, आप खाली आइए, आपका पूरा मनोरंजन होगा, एकदम मस्ती में, प्यार की कश्ती में। तुम बाहर निकलो, हम तुम्हारा पेमेंट करवा देंगे। अरे भैया हम तो निकल गए हैं, रशियन डांसर्स लोग वहाँ पर है, उनका पेमेंट करवाइए आप। तुम्हारे प्रभु वहाँ जोड़ते, जल्दी हटवा लो तुम, हमें बहुत डर लग रहा है, जल्दी हटवा लो। नहीं भैया हम तो कुछ नहीं करवाएंगे भैया, ठीक है, थैंक यू, बाय भैया। हेलो, कौन बोल रहे हैं? डांसर्स ऑफ रशियन लैंड, हाउ आर यू मिस्टर? गुटका है मुंह में क्या? People are ready for you, all the male dancers.
तुम उसको दो यार, तुम्हारे साथ जो आया था उस... रशियन ने जापान की मलर का हूँ मैं मान के करा दोगे तुम, मुझे छोड़ दो, तुम मेरा घर खाली कर दो यार। Nobody is going to leave this house without you. Lovely sofa, by the way. तो मेरी बीवी आने वाली है, तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे? काकुआ जबूत। We need money. मनी अपनी डालो ना तुम। Hey, let me dance. Yaar, with your clothes on. हेलो, आप कार्तिक के दोस्त हैं? हाँ, कार्तिक के दोस्त हैं। जिस्म फरोशी का काम करते हैं आप? हेलो, एक सेकंड, कुछ आवाज कट रही है, एक बार फिर से बोलना। आवाज तो कटेगी अभी, आपके घर से चार रशियन लड़के पकड़ाए हैं। जिस्म फरोशी का धंधा करता है जी, हम आपको बताना चाहते हैं। आपके घर के बाहर देखिए क्या हो रहा है। वी डिड नॉट डू एनीथिंग। हम नहीं जानते किसी बात में, मेरे साथ मिला दिया। जिस्म फरोशियों को यहाँ से बरामद किया है, आप देख सकते हैं, ये वही है जो रुमाल में अपने चेहरे को छुपा के जा रहे हैं। आपके घर के बाहर ये हो रहा है, मर्द है जिनको बुलाया गया था यहाँ पे खास तरह की पार्टी के लिए, जिसको रेप पार्टी भी कहा जाता है। चार चार लड़के पकड़ाए आपके घर से, पुलिस ने इसका पूरा भंडा फोड़ कर दिया है। आपके घर के बाहर टीवी चैनल वाले रिपोर्टिंग कर रहे हैं, चार लड़के पकड़ाए आपके घर से रशियन लड़के। वहाँ घर नहीं हमारा, एक वहाँ घर नहीं है आपका। आपकी बीवी यहीं पर गेट पर खड़ी है हमारे साथ में अभी, वो बोल रही है उसको भी आइडिया नहीं था उसका हस्बैंड इतना गंदा काम करता है। रशियन लड़के पकड़ाए हैं आपके घर से, चुपचाप आइए अभी पुलिस स्टेशन। हमने तो लड़कियाँ बोली थी, लड़के कहाँ से पहुँच गए? आपने लड़कियां बोली थी, कैसा आदमी है। यू डिस्ट अस। 93.5 रेड एफएम से बोल रहा हूँ, आरजे प्रवीण यहाँ पर। हमारा ना कलेजा मुंह में आ गया था बिल्कुल, तुम ऐसे कर रहे हो यार हमारे साथ, मुंह में आ गया। अच्छा ये रशियन में बोल के बता दो, कुस्तावे लुलुमो हमारी। हेलो, आपका बिजली का बिल का पेमेंट नहीं हुआ अभी तक, बिल का अमाउंट थोड़ा बड़ा है और तीन दिन निकल गया ऑलरेडी। इतना बड़ा है जी, 200-300 रुपया तो आता है तो भर दिया जाएगा। एक मिनट, आपको गलत फहमी हो रही है, आपका 300 रुपए का बिल नहीं है, आपका 24,687 रुपए का बिल है। 24,000 का बिल, पागल है का जी? पागल क्या, आपका यहाँ पे रीडिंग दिखा रहा है, आपका पेमेंट है जो आपने अभी तक किया नहीं और तीन दिन हो गया, बकाया डेट निकल गई है आपकी। अरे अरे, 24,000 बिल कहाँ से आएगा? बताएं, आपका घर का बाहर में गणेश पूजन का प्रोग्राम हुआ था। तो गणेश पूजा हुआ तो मेरे घर में बिल आएगा। सुनिए ना, वहाँ प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर वो बत्तख वाला लाइटिंग लगाया था, बत्तख ऐसे उठता है पानी में घुसता है, उठता है पानी में घुसता है, जो आप अपना बेटवा को ले जाकर के दिखा रहे थे बार बार लगा था, तो वो जो पंडाल का बिजली का कनेक्शन गया था वो आपके घर से हुकिंग मार के ले गए थे। अभी आपको ये पेमेंट करना, नहीं तो आपकी लाइन काट दी जाएगी। दिमाग खराब है का जी, मेरे घर पे कैसे जोड़ दिया, जबरदस्ती का बात कर रहे हैं। तो हमको गाय, हमारे ऊपर में गाय चिल्ला रहे हैं आप? फ्रिज बंद कर। आपको देना पड़ेगा 24,687 रुपए। अरे साला, फ्रिज हुआ बंद करने बोला ना तुमको, नहीं पिएगा पानी, रख दो साला। बिल आया 24,000 का, तुम लोग साला पंखा टीवी एलईडी सब दिन भर चलाते रहता है साला। आपको 24,600 बिल हम नहीं भरेंगे, बिल हम नहीं भरेंगे, वो तो आपके में हम निकाल लेंगे। एक मिनट, बिजली विभाग वाले को गाली तो ना दे पहली बात। बिजली विभाग में हम पैसा वैसा नहीं देने वाले। फ्रिज बंद करवाइए पहले, फ्रिज बंद करवाइए, आपका फ्रिज चल रहा है, बंद करवाइए। बंद करना जल्दी, बंद कर, बंद कर, बंद कर, बंद कर। हेलो, 24 घंटा चलाए घर वाले को, घरे में लग गया भाई। आप भी तो बैठ करके पंडाल का बत्ती देखे इतना देर, पैसा तो देना पड़ेगा। बत्ती देखे तो हम कहाँ से देंगे आपको? कोई हमारे ऊपर आया, हंस रहे हैं आप? अरे आपका कोई बिल नहीं है 24,687 रुपए का, मजाक कर रहा था मैं, आरजी प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग मुर्गा बना रहे थे आपका। आप लोग भी सही टाइम पे जलाते हैं आप। हेलो जी, मेरी बात अतुल जी से हो रही है? हाँ जी, आई एम कॉलिंग फ्रॉम द हेड ऑफिस एचआर डिपार्टमेंट। हाँ जी, बोलिए। हाउ इज द वर्क गोइंग? ओके, अच्छा अतुल जी, एक बात दरअसल सामने आई है कि बहुत सारे लोग जो हैं आपकी कंप्लेंट कर रहे हैं। कंप्लेंट HR से मैं बात कर रहा हूँ, और हमारे को बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट करी है दैट यू नो वर्क वाइज तो यू आर गुड, लेकिन हाइजीन लेवल पे यू आर नॉट यू नो गुड इनफ। क्या हुआ ऐसा? ऐसा ये हुआ है कि आप वॉशरूम एक तो बहुत लेट जाते हैं, और जब भी जाते हैं तो आप फ्लश करके नहीं आते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं मैं फ्लश नहीं कर रहा हूँ? भाई अब ये कुछ लोगों ने आप पे ये चेक किया होगा ना कि हु इज द कल्प्रिट। आपके पीछे पीछे कोई गया होगा, हमने CCTV कैमरास में भी देखे जब आप वॉशरूम गए हैं, और उसके बाद जो बंदा गया है, आई कांट टेक आउट द नेम, बट ये है कि हाँ आपने फ्लश नहीं करा, उन्होंने बताया है।
आपने क्या बताया कि आपने सीसीटीवी कैमरा में देखा है? हाँ, सीसीटीवी कैमरा में देखा है। वॉशरूम में सीसीटीवी कैमरा लगवा रखा है आपने? बिल्कुल लगवाया हुआ है। क्या बात कर रहे हैं सर आप? कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना सीखिए, आप काम अच्छा कर रहे हैं। मैं चार और कलीग का नाम ले सकता हूँ, कंप्लेंट करने से क्या हुआ है? नहीं, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी किसी ने कंप्लेंट करी है और हमने भी वेरीफाई करा है तो इसमें यू शुड एक्सेप्ट इट ना। अगर अपनी खुद की फॉल्ट है तो है, किसी ने तो ये भी बोला आप वॉशरूम के बाद हाथ नहीं धोते हो, हाथ नहीं धोते हैं आप, और बाहर जाके लोगों से हैंडशेक करते हैं। सर आप यू डोंट मिस्टर अतुल, एक्सक्यूज मी यू डोंट टेल मी व्हाट शुड आई डू एंड व्हाट शुड आई डोंट डू। ठीक है, ये आपका जो भी रिपोर्ट आई है कल आई है सर, एवरी टाइम मैं प्लस करके आता हूँ, हैंड वॉश करता हूँ, आपसे किसने कहा ये? बहुत सारे लोगों ने सिग्नेचर करके दिए हैं कि हाँ अतुल इज द वन। बहसबाजी में कुछ है नहीं, अगली बार के लिए आप याद रखिएगा, फ्लश करेंगे आप, ठीक है, हाथ धोएंगे, और इसके साथ ही साथ आप रजिस्टर रखा जाएगा वहाँ पे, आप लिखेंगे मैं इतने बजे आया था और इतने बजे बाहर निकला हूँ टॉयलेट से। आपका बैंड बजा रहे थे भाई, ऐसे काम मत करो सर वरना मेरा बैंड बज जाता है। हेलो, हाँ जी, मैं ये स्वाति मैडम से बात हो रही है क्या मेरी? हाँ जी मैडम, सोनू बोल रहा हूँ, मिंटो रोड से चिड़िया की दुकान है हमारी। हाँ हाँ, हाँ जी, मैं तुम्हारे यहाँ से एक पैर लेके आई थी तो। हाँ मुझे पता है मैडम, आपके हस्बैंड जो है ना भाई जी, दो बार आके हमारे से मिल चुके हैं, जहाँ मतलब बोल रहे थे कि कोई थोड़ी परेशानी हो रखी थी। वो तो आपस में बात तक नहीं करते, एक दूसरे की तरफ ही नहीं देखते, मैं कितनी कोशिश करती हूँ उनसे बात करने की। ये आप ऑस्ट्रेलियन ले गए थे ना तोते? भाई साहब देखिए, मुझे ये नहीं पता कि ऑस्ट्रेलियन है या रशियन है, आपकी दुकान से गए हैं मुझे इतना पता है, जिम्मेदारी आपकी नहीं। मेरा तोता है, एक काम करो आपने स्पीकर पे रख लो फोन। अच्छा, गफूर को ले आइयो, गफूर को आइए बेटा। हाँ बोल बेटा। जुगनू से पूछ क्या हो गया, क्या बतौला कोई तोता बोल सकता है? मैंने तो आज तक किसी तोते को ऐसे बोलते हुए नहीं सुना। मैडम तोता पूछ तो रहा है जुगनू क्या चल रहा है लाइफ में। जुगनू क्या बताएगा क्या चल रहा है लाइफ में, उनके आपस में कोई प्यार ही नहीं है। तो आपको बता के थोड़ी ना करेंगे बात। अरे हमें नहीं दिखते ना बात करते हुए, पंख भी नहीं हिलाते अपने, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, वो हमसे भी बात नहीं करते। जुगनू हिला दे अपने पंख। कोई मजाक हो रहा है क्या? मैं आपसे इतनी सीरियस बात कर रही हूँ, आप उठा के हमें ऐसे, आपने हमें 800 रुपए का पेयर भेज दिया और अब आप जो है यहाँ पे नाटक कर रहे हो। काम करता हूँ, थोड़ा सा चौकस तोता भेजता हूँ, जो थोड़ा सा ना मतलब जज्बे वाला हो थोड़ा। क्या आप बात कर रहे हैं भैया, आपको शर्म आती है इस तरीके की बातें करते हुए? मैडम कमाल की बातें कर रहे हो आप, इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो, मैं कहता हूँ आज तो मेरा जमीर जाग गया। आप सुनो मेरी बात, हमारा गफूर नाम का जो तोता है ना मेरा, ये बोलेगा जो लाइन ये बोलेगा, आप तोते की तरह बिल्कुल अपने तोतों के सामने बोलना और देखो फिर क्या होता है। ठीक है भैया, देखो बहन सुनो मेरी बात, हम यहाँ गलत काम नहीं कर रहे, तुम मेरे तोते की जरा सुन के अपने तोतों को सामने बोलो। ठीक है आपके कहने पे मैं बोल दूंगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ ना इसके बाद तो 800 की जगह 1600 रुपए आप 2600 ले जाना बस। गफूर बेटा बोलिए जरा, समझाइए जुगनू को। जुगनू बेटे ऐसे मौके बार पर नहीं आती, जुगनू बेटा ऐसे मौके बार बार नहीं आते, उठा ले फायदा। स्वाति जी हाँ जी, मैं सोनू तो नहीं बोला लेकिन सुपर हिट 93.5 रेड एफएम से आशीष बोल रहा हूँ, दिल्ली का कड़क लौंडा बजा रहे थे। ओ माय गॉड, आर यू सीरियस? ये भाई मत रो, मैं हूँ ना तेरा भाई बैंकी, तेरे लिए मैं क्या कर रहा है, नाक साफ कर। देखिए ऐसा है, बैंड बजाने का टाइम है, लेकिन इस वक्त कॉल करना पड़ रहा है श्रेया घोषाल को, क्योंकि मेरे भाई का दिल टूट गया, आपको पता है उसका प्यार बहुत पुराना है वो, और उन्होंने शादी कर ली। नहीं सकता कि तेरी याद। आशीष कॉल कर रहे हैं, तो बोले बता तो देती कम से कम। हाँ रोएगा? नहीं अरे थोड़ा तो हाँ। ऐसे कर ले, इट्स नॉट लाइक सैड रही, ऊपर सैड रही हूँ। मैं स्टार्ट करूंगा, ताली बजाएंगे स्टार्ट में, श्रेया की जैसी आवाज आएगी। हेलो, श्रेया घोषाल का 93.5 रेड एफएम के डीएल 935 पे दो कड़क लौंडों के साथ स्वागत है। ओके
हाय मैम, हल्ला बहुत कम लग रहा होगा आपको क्योंकि सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस आपकी शादी के लिए। कुछ खबर नहीं लगी कब हुई कैसे हुई, इंटरनेट से पता चला है। और दूसरे बंदे की बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आशीष की, इसका एक बहुत मेन कारण है, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। ओके, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच। ये इतने बड़े लेवल का आशिक है आपका, इसने इस शो में DL935 में सिर्फ श्रेया घोषाल शर्मा, श्रेया लव्स मी नॉट, यही सब किया है। आप बात करिए, ओवर टू आशीष। हेलो, हाय आशीष, कांग्रेचुलेशंस। ओके, थैंक यू सो मच। आपने तो बताया भी नहीं। यू नो यू कांट प्लान दीज थिंग्स, अचानक से ही हो गया, यू नो बचपन का प्यार, सो इट्स जस्ट लाइक यू नो इट हैपेंड। आशीष, ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। रोम मैम, ही इज क्राइंग, आप इसे एक बार, आई एम रियली सॉरी। साठ सेकंड के लिए बाहर जा रहा हूँ, आप इससे एक बार बात कर लीजिए प्लीज। भाई तू बात कर ले यार, मेरे से नहीं देखा जाएगा ऐसे साइड मत। हेलो, ओके, कांग्रेचुलेशंस। ओके, थैंक यू सो मच आशीष। बट सीरियसली मैं आपकी आवाज का बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ, माशाल्लाह आपने जो वो गाना गाया था। ये तो आप सबका प्यार है, ऑडियंस का प्यार है। एग्जैक्टली, तो नहीं अब ऑडियंस में भी तो मत गिन लो ना फिर प्लीज। नहीं, आई मीन कम ऑन, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, बट आप ऑडियंस में ही आते हैं। अच्छा, मैं हूँ तो।